यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 0506 स्पेशल गाड़ी जो वाराणसी सिटी से चलकर वाया औड़िया, मऊ, बेलसराव, कटनी, देवरिया, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, गुड़वल, सीतापुर, लखीमपुर, गलानी, पूरनपुर, पीलीभीत, इज्जत नगर इच्छा के रास्ते लाल कुआ को जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी है। ये गाड़ी कुछ ही समय में रवाना होगी। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग काफी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे कौन है ब्लॉग में। आपका स्वागत करते हैं वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन से। और बता दे तो आज एक यहाँ से एक और नई ट्रेन मिल चुकी है वाराणसी सिटी से लाल कुआं के लिए, जो कि अपना उत्तराखंड में आता है। और लाल कुआं से ना नैनीताल जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से जस्ट बगल में पड़ता है। बाकी बता दो जो ये ट्रेन है ना अपनी वाराणसी सिटी लाल कुआं 0556 इसका नंबर है। और ये ट्रेन मतलब एक समर स्पेशल ट्रेन के तर्ज पर चल रही है। और जल्दी इस ट्रेन को मतलब परमानेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है ना, तो इस वजह से परमानेंट नहीं किया जा रहा है। तो बाकी चलते हैं वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन के अंदर और आपको दिखाते हैं अपनी न्यू ट्रेन यानी कि वाराणसी सिटी लाल कुआं एक्सप्रेस। बाकी दोस्तों कुछ ऐसा है अपना वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन, और वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन के मान आपको रेल कोच रेस्टोरेंट मिल जाएगा, जहाँ पे शुद्ध शाकाहारी भोजन, और यहाँ पे आप आए तो भाई खाना वाना ट्राई कर सकते हैं रेल कोच रेस्टोरेंट से। बाकी दोस्तों आपको तो पता ही है गर्मियों का समय चल रहा है, तो भाई लोग पहाड़ों की तरफ जाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं गर्मियों में। और नैनीताल एक काफ़ी बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ भी लोग जाना चाहते हैं। आपको पता ही होगा भाई नैनीताल कितना अपना फेमस प्लेस है अपने इंडिया का। जी दोस्तों फाइनली आ चुके हैं वाराणसी सिटी के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, और पीछे में लगी हुई है हमारी वाराणसी सिटी लाल कुआं समर स्पेशल ट्रेन। और सबसे खास बात यह है ना कि इस ट्रेन को LHB कोच के साथ चलाया जा रहा है। देख लो भाई पीछे, भाई पहली बार देख रहे हैं कि कोई समर स्पेशल ट्रेन LHB कोच के साथ चलाया जाता है, नहीं तो सारी लगभग ICF कोच के साथ ही चलाई जाती। बाकी बता दे तो काफ़ी डिमांडिंग ट्रेन ये लग रही, क्योंकि इसका जो जनरल क्लास है ना अभी से पूरा पैक हो चुका है। ये देखिए पीछे साइड, ये है इसका जनरल क्लास, और जनरल क्लास पूरा अभी पैक है। आगे में जनरल क्लास है ना, पूरा पैक चल रहा है। तो अगर इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन के बारे में बात करें ना, तो इस ट्रेन में 3 जनरल क्लास आगे साइड लगाए गए हैं, बाकी 5 स्लीपर क्लास लगाए गए हैं। और इस ट्रेन में 1 सेकेंड AC लगाया गया है, और एक डेडिकेटेड फर्स्ट AC का भी कोच लगाया गया है समर स्पेशल ट्रेन में। बाकी 4 AC इकोनॉमी के कोच लगाए गए हैं इस ट्रेन में, बाकी पीछे साइड कोई जनरल क्लास नहीं है। और ये रहा अपना AC इकोनॉमी क्लास, मतलब कि 4 AC इकोनॉमी देख सकते हैं, और आगे में 1 फर्स्ट AC है, फिर उसके बाद सेकेंड AC है। तो काफ़ी प्रीमियम टाइप की ये समर स्पेशल ट्रेन हमें लग रही है। तो चलिए यात्रा को शुरू करते हैं। 2:15 पर इसका यहाँ से डिपार्चर टाइम दिया गया है। AC इकोनॉमी का कोच देख लेते कैसा है, तो सामने देख सकते भाई साफ सफाई काफी मेंटेन की गई है। अभी जस्ट भैया साफ सफाई करके गए इस ट्रेन की। बाकी कोच एकदम नया नया इस ट्रेन को दिया गया, यानी कि 2024 और 23 का कोच लगा हुआ है। बाकी मिरर उरर तो भाई नीट एंड क्लीन है। बाकी वॉश बेसिन देख रहे हैं ना, सोप वोप सारी चीज़ें हैं, फुट ऑपरेटेड इकोनॉमी क्लास का रहता है। आपको बताइए भाई पानी वानी सारी चीज़ें आ रही, नीचे डस्टबिन आपको एक दिया गया है, इधर फायर एक्सटिंग्विशर है। और कोच में भी अभी कुछ देर में लेट चलेंगे जब अपनी ट्रेन रवाना हो जाएगी। हमारे पास हम सरकारी आदमी हैं, मजाक मत करा कर, कोई बैठ गए गर्मी में। तो हमारी ट्रेन निकल चुकी है बिल्कुल ऑन टाइम 0556 वाराणसी सिटी लाल कुआं समर स्पेशल ट्रेन। बाकी बता दें लोकोमोटिव की बात, इसमें WAP4 लोकोमोटिव लगा हुआ है इज्जत नगर सेट का। और ये निकली हमारी ट्रेन वाराणसी सिटी से। चलो जी बाय बाय। बाकी देख लो दोस्तों यही है इस ट्रेन का इकोनॉमी क्लास। दोस्तों अगर इंटीरियर की बात करें ना, तो कुछ ऐसा है अपना इकोनॉमी क्लास का इंटीरियर। सामने में आपको मिरर मिल जाएगा जो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन है। बाकी एक हैंगर मिल जाएगा, आप कुछ अपना सामान हैंग कर सकते हैं, और एक अलार्म मिल जाएगा, और ऊपर एक रैक मिल जाएगा जिसमें अपना सामान वामान सारी चीज़ें रख सकते हैं। बाकी चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, और रीडिंग लाइट जो है ना वो भी दिया गया जो कि वर्किंग में है। बाकी फ़ोन होल्डर भी दिया गया है। बाकी कर्टेंस वर्टन सारी चीज़ें लगी हुई हैं एकदम न्यू, क्योंकि भाई न्यू ट्रेन है तो कर्टेंस न्यू रहना जाहिर सी बात है। बाकी जो इसका कलर रहता है ना वॉयलेट कलर का, ये काफ़ी वॉयलेट और ये स्लेटी काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर लगता है। बाकी नीचे आपको ट्रे टेबल मिल जाएगा जिसपे आप अपना लंच चूंस खाना पीना जो भी कर सकते हैं। बाकी एक यहाँ पे वाटर बॉटल होल्डर मिल जाएगा आपको जो कि ऐसे खुलता है। ये थोड़ा यूनिक डिज़ाइन का दिया गया है अपने इकोनॉमी क्लास में। बाकी एज ऑलवेज जो सीटें रहती है ना वही है, उधर साइड अपर और नीचे साइड लोअर, और कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी इसका अच्छा बनाया गया है।
टाइमिंग एंड शेड्यूल के बारे में, तो ये ट्रेन बस वीक में एक दिन चलेगी, यानी कि ट्यूजडे के दिन, यानी कि मंगलवार को दोपहर में 2:15 पर निकलेगी वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन से। 844 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने वाले नेक्स्ट डे सुबह में 6:55 आपको पहुंचा देगी लाल कुआं जंक्शन, जहां से आप उतर के बाई रोड नैनीताल जा सकते हैं वहां से इजिली, और काफी नियरेस्ट भी है। बाकी बता दें इसका रूट ना, ये ट्रेन वाराणसी निकलने बाद ओडियार, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, गोंडा के रास्ते सीतापुर, मैलानी होते हुए सुबह में आपको पहुंचाएगी लाल कुआं। ऑलमोस्ट खाली चल रही है अभी ऐसी इकोनॉमी की, लगभग करंट में 32-33, मतलब करंट में स्लीप सब में सीट निकली थी ऐसी इकोनॉमी में, और स्लीपर क्लास है ना जो, वो पैक चल रहा है अभी, और इकोनॉमी क्लास भी पैक होगा, लेकिन वो होगा मऊ और गोरखपुर से, क्योंकि मऊ के तरफ से ज्यादा लोग की बुकिंग है उधर इज्जत नगर बरेली किच्छा की तरफ की, लेकिन अभी तो फिलहाल खाली खाली, क्योंकि जिधर हम बैठे ना इधर देख लो भाई कोई नहीं बैठा, मतलब लगभग खाली बस में भैया बैठे। अभी भाई देख लो इस ट्रेन में बेडरोल की भी सुविधा आपको मिल जाएगी, कोच अटेंडेंट आपको भाई बेडरोल वोटरोल सारी चीजें दे देंगे अगर आप टिकट करवाएंगे तो। देखो ऊपर में पिलो विलो सारी चीजें रखी हुई है, वाओ नाइस सर्विस। गर्मियों का दिन आ गया है ना, तो भाई पहाड़ तो पूरा अवन बना हुआ है, ऐसा माहौल लग रहा है। बाकी पानी वानी भाई घर से लेके चलना है जर्नी में, एक नहीं अब दो दो बोतल लेके चलना, क्योंकि भाई गर्मियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, इतना ज्यादा गर्मी भाई एसी की नहीं पता चल रहा है, बहुत नॉर्मल चल रहा है अभी बोले हैं, तो कुछ समय में तेज होगा। बाकी दोस्तों काफी देर तक हमारी ट्रेन ओडियार के आउटर पे रुकी थी, लगभग 15-20 मिनट तक, और अभी जाके रवाना हुई है ओडियार के आउटर से, कुछ ही समय में पहुंचने वाली है ओडियार जंक्शन। बाकी भाई ट्रेन की सफाई ना टॉप नोच एकदम मेंटेन की गई है समर स्पेशल होने के बावजूद भी, भाई साहब A1। वाराणसी सिटी से 31 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने पर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने फर्स्ट हॉल्ट ओडियार जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है ARG, और बाकी यहाँ भाई लू चल रही है ऐसा लग रहा है। बाकी ओडियार रेलवे स्टेशन बात करें तो 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, 89 ट्रेनों का पर डे हॉल्ट है, और यहाँ से एक ट्रेन टर्मिनेट और एक ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती है। बाकी हमारी ट्रेन के यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है, और हमारी ट्रेन यहाँ पे आई है 20 मिनट लेट, क्योंकि आपको पहले ही बताया था कि हमारी ट्रेन को आउटर पे रोक के रखा गया था, इस वजह से ट्रेन अपनी 20 मिनट लेट हो गई है। बाकी उड़ियार बहुत एक अच्छा खासा अपना जंक्शन पॉइंट है। बाकी भाई धूप देख रहे हो ना कितनी भाई तेज धूप है, लू वाली हवा चल रही है भाई साहब, देखो
ये हाल है भाई, गर्मियों के टाइम में ट्रेन में ट्रेवल करना कितना भाई गर्मी लगता है, फिर जाओ एसी में चढ़ो तो भाई थोड़ा हेल्थ का भी दिक्कत हो सकता है। बाकी आगे का टाइम देखो ना, स्लीपर और जनरल में अच्छी खासी बोर्डिंग चल रही है। चुकी है हमारी ट्रेन ओडियार जंक्शन से, 2 मिनट के भाई साहब 1 मिनट ही रोका गया अपनी ट्रेन को, पैसेंजर की ट्रेन छूट रही है, पकड़ ले यहाँ पकड़ गया। आगे अपना बता दो ओडियार जंक्शन पॉइंट की है तो पीछे की तरफ से हम लोग आ रहे हैं यानी कि वाराणसी की तरफ से, और एक लाइन यहाँ से सीधे निकल जाती है गाजीपुर सिटी की तरफ, और एक लाइन यहाँ से जाती है मऊ की तरफ जिस रूट पे हम लोग जाने वाले हैं, बाकी एक लाइन यहाँ से जाती है जौनपुर जंक्शन की तरफ, इसलिए अपना ओडियार एक जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन। और ये देखिए भाई साहब ओडियार की भीड़ है, और यहाँ पकौड़ी भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपका मन हुआ तो, मेरे तरफ से तो रिकमेंडेड नहीं है, आपकी इच्छा। बाकी यहाँ पे खाने पीने के लिए आपको ना स्टॉल सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और यहाँ पे देख रहे हैं ना फ्रूट भी मिल रहा है, तरबूज और बूज वाटरमेलन, ये क्या है ये भी पकौड़ी वकौड़ी है, पानी बोतल सारी चीज़ें। चलो जी बाय बाय ओडियार जंक्शन भैया, वो बहुत गर्मी है यार ओडियार में, ओडियार क्या यार हर ही जगह गर्मी है। बाकी आपको दिखाते हैं कि गाजीपुर वाली लाइन किधर से गई है। तो देखिए जी हमारी ट्रेन निकल चुकी है इस साइड में, और जो वो सामने वाली लाइन देख रहे हैं ना जो इधर से जा रही है, ये इधर से जो जा रही है ना ये चली जाती है गाजीपुर सिटी की तरफ, और हमारी ट्रेन मऊ की तरफ निकल चुकी है। अब तो चलते हैं यार बंदर सिटी भाई बाहर, तो बहुत गर्मी है यार, आ गया मेरा कुर्सी दस्ता, गेट भी बंद हो गया, नहीं आ रहा पानी, पैर से आता है पैर भी दिया है, इकोनॉमिक क्लास है ना पैर से मेरा सिस्टम हुआ वो इसका दिया है ये हैंड वॉश। बाकी जी अंदर चलते हैं, अभी भी कोच भाई साहब खाली है पूरा का पूरा। बाकी अभी बाहर में देखे थे ना एक भैया थे उनसे, मतलब कि उनको पता नहीं था कि ये जो अपना वेसिन है वो है फुट ऑपरेटेड है, तो उनको मैंने बताया भैया नीचे से आएगा ऐसे वैसे। अभी भी भाई कुछ लोगों को नहीं पता है, मतलब कि जो अपना इकोनॉमिक क्लास का जो फुट ऑपरेटेड वाला आ गया ना सिस्टम, ये अभी बहुत लोगों को नहीं पता है, तो अगर आप भी कहीं देखे कोई परेशान है तो थोड़ा बता दिया करिए जैसे हम बताते हैं। बाकी ट्रेन निकल चुकी है, अब इसका होल्ट आएगा मऊ आएगा। स्किप दोस्तों, अगर इस ट्रेन के फेयर के बारे में बात किया जाए ना, तो इस ट्रेन में अगर आप इंड टू इंड जर्नी करेंगे यानी कि वाराणसी सिटी से लेकर लाल कुआं तब तो आपको स्लीपर का पड़ेगा 555 रुपये, और वहीं थर्ड एसी इकोनॉमिक आपको पड़ेगा 1400 रुपये, और इसमें सेकंड एसी भी है तो उसका आपको पड़ेगा 2100 रुपये, और स्टेशन में डेडिकेटेड फर्स्ट एसी का कोच भी है ना तो उसका आपको पड़ेगा 3250 रुपये वाराणसी सिटी से लाल कुआं तक। और अभी ये ट्रेन स्पेशल है तो थोड़ा जो इसका फेयर है ना वो 200-300 ज़्यादा है, क्योंकि स्पेशल के नाम पर ट्रेन चली ना अभी, या फिर परमानेंट हो जाएगी तो थोड़ा फेयर भी कम हो जाएगा 200-300। अभी दोस्तों अभी हमारी ट्रेन दुल्लापुर रेलवे स्टेशन पर स्लोली चल रही है, आई थिंक रुकी जाएगी। और जी दुल्लापुर में हमारी ट्रेन का हॉल्ट नहीं था, और देखिए दुल्लापुर में कितने सारे पैसेंजर आगे के साइड ट्रेनों में चढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ना उधर से आके इधर अपनी ट्रेनों में चढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ इस ट्रेन का रुकने का कारण ये है कि यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है मेमू कोई ट्रेन है ना समर स्पेशल ट्रेन को, तो यहाँ पे रोका गया है। और बाकी बता दो तो ये जो अपनी वाराणसी सिटी लाल कुआं ट्रेन है ना ये काफी बेस्ट ट्रेन है, आप इससे नैनीताल भी जा सकते हैं और कैची धाम भी जा सकते हैं, जो कि अपना काफी मोस्ट टूरिस्ट प्लेस है अपना कैची धाम, जहाँ लोग भाई दूर दूर से दर्शन करने जाते हैं, और काफी फेमस टेम्पल भी अपना कैची धाम उत्तराखंड में।
तो इस ट्रेन से आप इजीली जा सकते हैं। वैसे वाराणसी से पहले एक ही ट्रेन चलती थी, वो भी वीकली थी, और एक ये भी ट्रेन हो गई, तो इसमें आपको इजीली टिकट भी मिल जाएगा, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी बढ़िया, तो आप जा सकते हैं। बाकी जी देख लो, इसी ट्रेन से हमारी क्रॉसिंग थी मऊ प्रयागराज रामबाग में। मऊ से बताओ भैया, लोकल ट्रेन के लिए इस अपने समर स्पेशल ट्रेन को रोक दिया जा रहा है। बताओ इतनी बढ़िया ट्रेन को इस लोकल के लिए रोका जा रहा है। कोई नहीं, हमारी भी ट्रेन रवाना हो गई यहाँ से और वो भी रवाना हो गई। बाकी दोस्तों जो अभी इधर का लाइन है ना, वो सिंगल लाइन ही है इधर, यानी कि अभी इधर डबल लाइन का नहीं हुआ है, मतलब डबल लाइन का वो इधर अभी काम चल रहा है डबल लाइन का, इधर ट्रेनों की क्रॉसिंग की जाती है। और दोस्तों कुछ समय में हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन, तो इससे पहले आपको एक बार वॉशरूम का भाई इंटीरियर दिखा देते हैं कैसा है। वाओ, तो ये है जी अपना इकोनॉमी क्लास का लग्जरी टाइप का वॉशरूम। मिरर की साफ सफाई नॉर्मल है, बाकी यहाँ का देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया काफी अच्छा खासा बनाया गया है, और आपको ये एक मिल जाता है, कुछ अपना हैंग कर सकते हैं। बाकी इधर भी एक मिल जाएगा हुक टाइप का ना, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। बाकी ट्यूबलाइट व्यूबलाइट सारी चीजें लगी हुई हैं, और बेसिन भी भाई एकदम नीट एंड क्लीन है। बाकी नीचे के साइड में एक डस्टबिन दिया गया है, और बाकी इसका भी जो यहाँ का जो टैप है ना, ये भी फुट ऑपरेटेड है, यहाँ से प्रेस करेंगे और पानी आ जाएगा। भैया पानी तो बहुत गर्म है यार, बाकी यही सब है। बाकी इधर प्लस उलस भी है, तो प्लस आप लोग जरूर यूज करिया करिए। और बाकी नीचे देख रहे हैं ना, मैट वेट लगाया गया है ब्लू कलर का, प्रॉपर साफ सफाई मेंटेन है इस ट्रेन में। टाइम देख लीजिए, शाम के हो चुके हैं 4:25, और हमारी ट्रेन का यहाँ पे टाइम था 4 बजे का, लेकिन हमारी ट्रेन 25 मिनट डिले के साथ मऊ जंक्शन पहुंच रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो जी फाइनली पहुंच चुकी है हमारी ट्रेन मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन, और आपसे बताया थे पहले ही ना कि काफी अच्छी खासी यहां से बोर्डिंग होने वाली है, तो देख रहे ना कितनी ज्यादा भीड़ है अपनी इस ट्रेन में मऊ जंक्शन से ट्रेन बोर्ड करने के लिए। वाओ, बाकी दोस्तों हमारी ट्रेन निकल भी चुकी है मऊ रेलवे स्टेशन से, और स्लीपर क्लास की भीड़ देखो, गेट गेट तक बंदे बैठे हुए हैं, और किसी ने चैन पुलिंग भी कर दी। लो मऊ जंक्शन में पहली बार हो चुकी है समर स्पेशल ट्रेन की चैन पुलिंग, फर्स्ट डे। दोस्तों 25 मिनट की देरी से हमारी वाराणसी सिटी लाल कुआं एक्सप्रेस पहुंच चुकी है मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन, और हम लोग की जर्नी जो थी ना वो मऊ जंक्शन ही तक थी, क्योंकि आपको बस दिखाना था कि समर स्पेशल ट्रेन शुरू हो चुकी है वाराणसी से लाल कुआं के लिए, तो आप लोग आप इजली जा सकते हैं उत्तराखंड, यानी कि पहली बार कोई इस रूट में उत्तराखंड के लिए नई ट्रेन चलाई है, तो इस वजह से हमने सोचा कि आपको जानकारी देना पड़ता है। बाकी कैचीधाम और नैनीताल भी जा सकते हैं आप इस ट्रेन से। बाकी कैसे लगी जर्नी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा, और चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई जानकारी चाहिए होगी इस ट्रेन के बारे में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय फ्रॉम मऊ जंक्शन।